गुसल के बारे का सवाल है मेरा कि जब गुसल किया जाए तो उसके बाद वुजू लाजमी है या बाद में भी वो जी या उससे गुसल के अंदर वुजू शामिल होता है, बाद में भी वुजू कर किया करते हैं। लेकिन क्या सुन्नतन वुजू पहले करना चाहिए? आपके जो खुसक थे, क्या नाम था उनका? मलक साहब, पूरा नाम बताया। सैफुर रहमान साहब, मलक खान मलक सैफुर रहमान साहब, मलक मुफ्ती साहब सिलसिला, बहुत गहरे आलम। जी। उनका ये मसलक था कि जब गुस्ल की नियत कर लो तो उसमें वुजू शामिल हो जाता है और किसी अलग वुजू की ज़रूरत नहीं, और गुस्ल हावी है वुजू पर क्योंकि उससे वसी तर है और सफाई के लिहाज से उससे आला दर्जा रखता है। तस्कीन के लिहाज से भी बजाय इसके कि मसा यूँ किया जाए, पूरा सर नहा जाता है, साफ़ हो जाता है, गर्दन पर भी पानी, इस जिस्म के हर हिस्से पर पानी। तो उनका ये मसलक था। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, उन्होंने लिख कर मुझे यही जवाब दिया कि नहाने गुस्ल से के मुतल्लिक कहते हैं मेरी कती राय यह है कि इसमें किसी अलग वुजू की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो हमने सुना हुआ था बचपन में दूसरे उलमा से, जमात अहमदिया ही के उलमा जो आमतौर पर ऐसी बातों में नसीहत किया करते थे, उनका तरीक़ यह था कि गुसल से पहले वुजू कर लो, और वुजू मुकम्मल नहीं बल्कि हाथ धो के कुली और चेहरे पे छींटे मार लो और उसके बाद नहाओ, तो फिर वो सारा वुजू भी और गुसल भी हो जाता है। ये सनद उन्होंने कहाँ से ली मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए हमारे जो उलमा इस पर सुन रहे होंगे उनको चाहिए कि इस मसलक पर अगर कती हदायत हदीस नबी से मिलती हों तो हमें भिजवा दें ताकि आइंदा इस मसलक पर खुल को रोशनी डाली जाए। मलिक साहब ने चूँकि अपने दलाइल नहीं भेजे थे साथ, इसलिए मैं नहीं जानता कि उनका इस ये मौक़ा किस बात पर मबनी था, मगर चूँकि वो बड़ी वसी नज़र रखते थे ऐसे इल्मी मुबास पर, तो उनके इल्म में मुआफिक और मुखालिफ हदीसें आई होंगी जाजमन, और उन्होंने उनसे आखिरी नतीजा यही निकाला है कि किसी अलग वुजू की ज़रूरत नहीं। तो इस तफसील के तशरीह के बाद हमारे उलमा में से जो भी इस पर दस्तखत रखते हों, मसलन ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ मौलवी दोस्त मोहम्मद साहब बड़े इसमें माहिर, उनके पास अमला भी है, फ़ौरन वो लगा देते हैं अमले को तहकीक के लिए, लाइब्रेरी पर तक उनकी दस्तखत है। दूसरे हमारे हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब माशाल्लाह खूब इल्मी ज़ौक़ रखते हैं और बड़ी जल्दी मुतलका हदीस की जस्तजू करते हैं, तो इन दोनों को मैं कहता हूँ कि वो खसूसियत से इस पर गौर करके मुझे बताएं। ठीक है।